वाहिगुरु साहिब जीओ पौड़ी चित अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वडियाईया आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो वड्डा वड में दिनी सिरे सिर तंद लाएंदा नदर उपठी जे करे सुल्ताना का कराएंदा दर मंगण पिख न पाएंदा दर मंगण पिख न पाएंदा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु पातशाह जी दे पावन पवित्र दरबार दे अंदर पहुँच रहे विराजमान होए बैठे गुरु प्यार वाले गुरु सवारे सतसंगी जनों पावन बाणी श्री आसा की वार 16वीं पौड़ी का पाठ आप जी ने सरवण किया है। इस पावन पौड़ी की विचार आपां करनी है ते अज भगत बाबा नामदेव साहब उन्हां दा जन्म दिहाड़ा भी है तो भगत बाबा नामदेव साहब दे आपां जीवन दे उपर भी पंछी झात मारांगे जी। पर सब तो पहला ये बचन आपां विचारदे हाँ जो अज दी पावन पौड़ी है तो ध्यान दो जो बचन गुरु नानक साहब पातशाह जी ने पावन श्लोकां दे अंदर बयान किए ने। पहला श्लोक सी गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरन ना जाई ते दूजा श्लोक सी मानस खाणे करै निवाज छुरी वगायन तिन गल ताग। हुण इन्हां दोनों ही जिहड़े श्लोक ने इन्हां च आपां गल करिए जो कल गल रह गई सी अत जरूरी है। एक तो सतगुरु पातशाह ने जो दूसरा श्लोक है उहदे विच गल कीती नील वस्त्र पैर होवै परवान पहरावे दी गल कीती। दूसरा पातशाह ने कहा अपाख्या का कुठा बकरा खाना अपाख्या हुंदा बेगानी बोली। हुण ये दो चीज़ां सी गुरमुखो जिहड़ियां इहनू समझण वाला है गुरु नानक साहिब पातशाह ने समें दे विच उस अधीन गुलामी दी गल कीती शरीरक गुलामी नहीं मानसिक गुलामी। मानसिक गुलामी दे अंदर ये हुंदा है एक हुंदा किसी नूं पिंजरे च पा देना पिंजरे च पा देना गुलामी नहीं हुंदी। गुलामी हुंदी है जदों पंछी नूं पिंजरा वधिया लगण लग पैंदा है इहने मेरे लिए ठीक है ये उहनूं कहिंदे ने मानसिक गुलामी। सिखां दे उपर औकड़ां आईयां दुख आए पर सिखां नूं कोई मानसिक तौर ते दुखी नहीं कर सकिया ये नुकता समझण वाला है। तसीहे भी दित्ते पर तसीहे चलदे होए भी ये कहिंदे सन कि केतियां दुख भूख सदमार ये पैदात तेरी दातार। उन्हां दे मन ने कदे दुख नहीं प्रवान किया मन ने कदे तसीहा प्रवान नहीं किया। पर इत्थे गुरु नानक साहिब पातशाह जो बचन करते ने पातशाह कहिंदे समय दे खत्री लोकां ने मानसिक गुलामी नूं स्वीकार कर लिया। जिवें एक बचन आउंदा है गुरु नानक साहिब पातशाह दा घर घर मियां सभना जियां बोली अवर तुम्हारी
अपने घर भी जिहड़ियां इस्त्रियां सन बच्चे सन वह मियां मियां कहण लग पे। इस तरह सतगुरु पातशाह कहिंदे कि बंदियां दी हालत की हो गई सी कि बाहर ग्रंथ होर पढ़ते घर विच होर पढ़ी जाते हैं। इस करके सतगुरु पातशाह ने साडा ध्यान इन्हां दो गल्लां वल दवाया है भी कदे भी पहरावे की गुलामी और दूजी बोली की गुलामी सिख ने कदे स्वीकार नहीं करनी। तो इस करके ये गल्लां भी जरूरी सी जी। हुण आओ आपां जो बचन है पौड़ी का, गुरु नानक साहिब पातशाह कहिंदे चित है अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा। सतगुरु पातशाह कहिंदे जिहड़ा वह वाहिगुरु परमेश्वर जी हन चित है अंदर सब को, चित है अंदर का अर्थ है कि वह जो वाहिगुरु परमेश्वर जी है उसके मन विच चेते विच ने सारे चित है अंदर सब को, सब कोई उस परमात्मा जी दे चित दे विच ने, कोई ऐसा नहीं है। असी कह दिंदे हुण तां रब भी दुश्मन बन गया, रब भी सानू भुल गया। पातशाह कहिंदे नहीं भाई, सब कोई उस रब दे चित दे विच हन, चेते दे विच हन, रब नूं सारे याद है। चित है अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा। पातशाह कहिंदे परमात्मा उन्हां नूं वेख, परमात्मा उन्हां नूं वेखदा भी है, नदरी हेठ चलाएंदा ते अपनी मेहर दी नदर दे हेठां उन्हां जीवां नूं चलाउंदा है। सारे उस परमात्मा जी दे चित विच ने, वाहिगुरु परमेश्वर जी सारिआं नूं वेख रिहा है ते सारिआं नूं परमेश्वर वाहिगुरु जी अपनी नदर दे हेठ चला रहे हन। चित है अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा। आपे दे वडियाईयां आपे ही कर्म कराएंदा। सतगुरु पातशाह कहिंदे वह वाहिगुरु परमेश्वर जी आप ही सारिआं जीवां नूं वडियाईयां दिंदे हन। आपे ही कर्म कराएंदा, पातशाह कहिंदे आप ही अपने बनाए जीवां दे कोलों वाहिगुरु परमेश्वर जी कर्म कमाउंदे हन, भाव के कम विच भी आप ही लाउंदे हन। वड्डो वड्डा वडमेदनी, वड्डो वड्डा ओ वाहिगुरु परमेश्वर वड्डियां तों भी वड्डा है, वड्डो वड्डा वड्डियां तों भी वड्डा है। वड्डो वड्डा फिर क्या वडमेदनी, मेदनी की हुंदा धरती सृष्टि, ओ आप भी सारियां तों वड्डा है, वड्डियां तों भी वड्डा है ते उस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि भी बहुत वड्डी है। सिरै सिर धंदै लाएंदा, सिरै सिर का अर्थ है वारी सिर, जिमें जिमें सारे जीवां की वारी आउंदी है वह उन्हां दी वारी दे अनुसार पातशाह कहिंदे ने जीवां दे कोलों कर्म कराउंदा है। नदर उपठी जे करे सुल्ताना घाव कराएंदा। उपठी हुंदा उल्टी, जे वह वाहिगुरु परमेश्वर जी अपने जीवां तों नदर नूं परे कर लवे तां, इन्हां जीवां दे वल पिठ कर लवे तां, नदर उपठी जे वाहिगुरु परमेश्वर इन्हां जीवां तों नदर नूं परे कर लवे, उपठी कर लवे, उल्टी कर लवे, तां जीवां दा हाल की हुंदा, सुल्ताना घाव कराएंदा। सुल्तान जिहड़े सुल्तान ने तख्तां ते बहण वाले उन्हां नूं भी घा चुगण ला दिंदा है, उन्हां नूं भी कखियों हौली कर दिंदा है। ते फिर कहिंदे ने दर मंगण भिख ना पाएंदा। पातशाह कहिंदे जे परमात्मा दी नदर है ना एक भिखारी, इहदे अर्थ इदां समझो गुरमुखो, एक भिखारी है उहदे हाथ 'च कटोरा पकड़िया भिखिया वाला ते लोकां दे दर ते जा जा के मंगदा, नाले मंगदा नाले उलांभे दिंदा, मेरा रब ने की सवारता, मैं ते भीख मंग मंग के खाना, मेरा रब ने की करता। गुरु नानक साहिब पातशाह कहिंदे अजे भी रब ने तेरा कुछ नहीं किया, देख तां सही जेड़े तेरे कठोरे च भीख पै रही है ना वह भी परमात्मा की नदर है ते तां तेरी कठोरे च भीख पैंदी है। जे वह परमात्मा की नदर तो परे हो जावे
ते दर दर ते मंगदियां भीख भी नहीं पैंदी। भीख भी तां पै रही है जेकर भाई परमात्मा की नज़र तेरे उपर है। तो यह गुरु नानक साहिब पातशाह पावन शब्द विच यही कहिंदे ने। पातशाह कहिंदे भाई सदा उस वाहिगुरु परमेश्वर दे गुणा नूं गा, उहदियां वडियाईयां कर, उहदा शुकराना कर। तू जिथे भी है, जे तू भीख भी मंग रहा है, दर दर दे उत्ते मंगता भी बन के बैठा है ना, तो उस परमात्मा की नज़र दे नाल ही तेरे कुर च भीख पै रही है। क्यों? क्योंकि जे परमात्मा की नज़र परे हो जाए तो पातशाह कहिंदे फिर वह वाहिगुरु वड्डे वड्डे बादशाह नूं भी घा चुगण ला दिंदा है। ये परमात्मा की रहमत है, तरस है कि तैनू घर विच बैठे हाँ, तेरी जिंदगी ज्यों रहा, तैनू वाहिगुरु परमेश्वर जी सारिया दातां दे रहे हैं। तो ये गुरु नानक साहिब पातशाह ने पौड़ी के अंदर गुरमुख शुकराना किया है वाहिगुरु परमेश्वर जी का कि वो परमात्मा वड्डा है, उहदी सृष्टि वड्डी है, वह सारे जीवां नूं चेते करता है, उहदी याद विच ने असी सारे। तो जो कुछ भी सानू मिल रहा है, भावें घट मिल रहा है, भावें वध मिल रहा है, उस परमात्मा की नज़र दे नाल है। ये पातशाह ने पावन पौड़ी के अंदर ये बयान किया है। अच्छा, अज है भगत बाबा नामदेव साहब का जन्म दिहाड़ा है। गुरमुख जदों असी भगत बाबा नामदेव साहब के जीवन वल वेखते हाँ, बहुते समाचार तो बाबा नामदेव साहब के नहीं मिलते, पर जितने मिलते ने इतिहासकार कहिंदे ने बाबा नामदेव भगत नामदेव जी का जो जन्म है वह 1270 ईस्वी का है। महाराष्ट्र के जिला है सतारा, उतों के नरसी बामनी एक नगर है छोटा जिहा, नरसी बामनी नगर के भगत बाबा नामदेव साहब का जन्म होया। जन्म होया तो होया किहदे घर दे विच, जिसनों लोग अखौती नीवी जात का कहिंदे सन, कपड़े बुन वाले, आपां तां उत्ते छिंबा शब्द वरतदे हाँ, और बाबा नामदेव साहब ने भी छिपा शब्द वरतिया अपने लिए कि लोग मैनूं छिपा कहिंदे ने, छिंबा कहिंदे हाँ। तो वह जात विच उस घर जन्म होया जिस घर विच जन्म लैण वाले नूं ब्राह्मण लोग जां उच्ची जाति जिहड़े अपने आप नूं लोक सी उह नीवां कहिंदे सी, इस करके बाबा नामदेव साहब नूं भी नीवां कहा जाण लगा। भगत बाबा नामदेव साहब दा जीवन है उह नगर दे विच अपने पिंड दे विच ही गुजरिया, क्योंकि पढ़ाई का कोई बहुता प्रबंध नहीं सी, क्योंकि मंदरां दे विच केवल ते केवल ब्राह्मणां दे ते खत्रियां दे बच्चियां नूं ही पढ़न दी आग्या मिलती सी, खत्रियां नूं शस्त्र चलाउण दी ट्रेनिंग दित्ती जांदी सी, ते ब्राह्मणां दे बच्चियां नूं विद्या दी ज्ञान दा बख्शिश कीती जांदी सी। इस करके बाबा नामदेव नूं दुनियावी पढ़ाई पढ़न दा जां विद्या प्राप्त करन दा कोई भी अवसर नहीं मिलिया। जो पिता जी काम करदे सन, पिता पुरखी काम सी कपड़े रंगणे ते कपड़ियां नूं बनाउणा, उही भगत बाबा नामदेव साहिब जी करदे ने। विशोभा खेचर नूं अपना गुरु धारण किया भगत बाबा नामदेव साहब ने। विशोभा खेचर एक बहुत वड्डे सू जिहड़े ने उह भगत होए ने दखण दे, उन्हां दे कोलों नाम की दात मिली, उन्हां दे कोलों ज्ञान की दात मिली। तो भगत बाबा नामदेव साहब ने गुरमुखो 18 रागां दे विच 61 शब्द ने गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी विच बाबा नामदेव साहब दे। जेकर ध्यान दे नाल भगत बाबा नामदेव साहब दे असी जीवन नूं उन्हां दी बाणी विच्चों देखिए ना, ते ओह समां जदों इस हिंदुस्तान दी धरती दे उत्ते मुसलमानी पठाणा दा राज है, सिकंदर लोधी दा समां मन्निया जांदा है ओह सारा। इस करके एक पासे सिकंदर लोधी जिहड़ा है ओह लोकां ते जुल्म करदा है, नाम जपदे ने, ते सिकंदर लोधी ने बड़े तसीहे दिते रब दे प्यारे भगतां नूं, कबीर साहब दे नाल वी और नामदेव साहब दे नाल वी, भगत त्रिलोचन साहब दे नाल वी जिहड़ी सी ओह घटनावां जिक्र मिलदा है वी सिकंदर लोधी ने इन्हां भगतां उत्ते बड़ा जुल्म कीता।
भगत बाबा नामदेव साहब नूं भी दिल्ली बुलाया गया। उत्थे उन्हां नूं मरी हुई गऊ जवालन का जो हुक्म किया गया वह कौतक वरत्या, परमात्मा ने अपने भगतां दी रखिया आप की। जदों असी भगत बाबा नामदेव साहब के जीवन में बाणी विच्चों देखते हैं तो यह भी देखते हैं भी जिमें खत्रियां दे बच्चे, ब्राह्मणा दे बच्चे, वैश दे बच्चे जदों मंदरां च जांदे सन तो भगत बाबा नामदेव साहब भी एक दिन जिहड़ा सी ओ मंदर चले गए। पर लोग जानते सी भी इह छिंबियां दा अखौती नीवी जात वाले जिहनूं कहिंदे उहनां दा बच्चा है। इस करके भगत बाबा नामदेव साहब नूं धक्के दित्ते मंदर दे विच्चों दोहरे दे विच्चों बाहर कढ़ दिता जांदा है। और कसूर की सी? कसूर केवल इन्ना है भी जिस घर विच ओह जम्मे ने उस घर नूं नीवी जात दा कहा जांदा सी। जदों ये सारी घटना वापरी तो उत्थे तां जिक्र बाणी च तां सीधे जे अर्थ ही बणदे ने भी परमात्मा नूं उलांभे दित्ते भी हे परमात्मा सिर्फ मैनू इस करके धक्के पए आ भी मैं नीवी जात दा ते जे मैनू नीवी जात करके धक्के पैंदे ने फिर तू मैनू नीवी जात दा बनाया क्यों? हिनड़ी जात मेरी जादम राया छिपे के जन्म काहे को आया। क्यों मैनू छिंबियां दे घर पैदा कीता है? क्यों मेरी जात नू नीवा बनाया है? तू इदा परमात्मा नू उलांभा भी दिता भगत बाबा नामदेव साहब ने रोस विच आके कह लो प्रेम दे विच आके। तो उस वाहेगुरु परमेश्वर ने फिर कौतक वरताया कि जेड़े नामदेव नू मंदरां विच्चों धक्के पैंदे सन जदों उस नामदेव जी ने बाणी गुरु दे कोलों ज्ञान लिया, अपने विशोभा खेचर जी कोलों ज्ञान लिया और ज्ञान दे विच्चों उन्हां नू मिलिया कि हे नामदेव जे तैनू कोई उच्चा कर सकता है तो केवल एक परमात्मा की बंदगी उस वाहिगुरु परमेश्वर का सिमरन ही है जिहड़ा तैनू नीवे तो उच्चा कर सकता है। इको ही तो है ना, दुनिया की दूजी कोई ताकत नहीं है। अपनी मेहनत नाल तू अमीर बन सकदा, धनवान बन सकदा, पर आ लोग तैनू उच्चा उदों मनणगे जदों परमात्मा की बंदगी तेरे को होगी, वाहेगुरु का सिमरन तेरे को परमेश्वर का होगा। इस करके जे तू सचमुच उच्चा होना चाहना तो तू उस परमात्मा की बंदगी कर। तो फिर सच ये है गुरमुखो, सारे देवी देवत्यां की पूजा नू छड़ के, अवतारवाद नू छड़ के जदों असी बाबा नामदेव साहब की बाणी पढ़ते हाँ तुसीं देखो किन्ने सख्त बचन ने। आज नामे बीठल देखिया मूर्ख को समझाऊ रे, पांडे तुमरी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लेके ठेंगा टंगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी। पांडे तुमरा महादेव धौले बल्द चढ़िया आवत देखिया था, मोदी के करखाना पाका वाका लड़का मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सोपी आवत देखिया था, सरवर शेती रावण होई घर की जोए गवाई थी, हिंदू अन्ना तुरकू काना वहां ते ज्ञानी सियाना। ज्ञानी का की अर्थ बनता है? उत्थे जिन्हों सचमुच रब का ज्ञान प्राप्त हो गया, जिन्हों सचमुच ब्रह्म की सोझी आ गई वह ज्ञानी कहन लगे इन्ना हिंदुआ तो ते इन्ना मुसलमाना तो चंगा है। हिंदू अन्ना, हिंदू नू अन्ना कह दिता, मुसलमान नू काना कह दिता। हिंदू नू अन्ना इस करके बाबा नामदेव ने कहा एक तो जिहड़ा है उहदियां दोने अखां जिहड़ियां ने उहनू दिखाई नहीं दे रहा, जे शरदा है शरदा की अख है वह भी देवी देवत्यां ते पत्थरां दे उपर है, तो ज्ञान है जिहड़ा वह ज्ञान भी केवल ब्राह्मण कोले समझी बैठा है। ब्राह्मण नू भी ज्ञान है तो भावना कित्थे है? पत्थर दे उपर है। ना भावना वाली अख खुली है ना ज्ञान वाली अख खुली है, दोने अखा ही जड़िया ने अन्निया ने, इस करके हिंदू नू अन्ना कह दिता। तुरकू काणा कहिंदे तुरक भी काणा है, काणा क्यों कहा? एक अख तो दिखाई दिंदा है भी पूजा एक परमेश्वर की करदा है, एक अख तो दिखाई दिंदा, एक अख तो सही है। मुसलमान घट्टो घट जिहड़ी मन का भरोसा तो एक खुदा ते करदा ना, एक रब ते ही करदा ना, देवी देवत्यां नू नहीं मनदा।
पर दूजी अख तो यह भी काणा है। काणा क्योंकि एक अख तो इन्हों भी दिखाई नहीं दिता। क्यों नहीं दिखाई दिता? क्योंकि यह भी केवल तो केवल शरा सब कुछ मनी बैठा है। शरा ही सब कुछ होंगी है, केवल मर्यादा ही सब कुछ होंगी है। इस करके एक हिंदू अन्ना क्या, एक काणा क्या। कह लगे फिर सियाणा कौन है? कह लगे सियाणा वो है जेड़ा सारे पासे एक परमात्मा देखता है, जेड़ा कण कण दे विच परमात्मा देखता है, जिन्हों सचमुच ज्ञान हो गया कि वह वाहेगुरु परमेश्वर सारे पासे सारियां दे विच बैठा है। दोहां ते वह ज्ञानी सियाणा है। नहीं तो भगत बाबा नामदेव साहब जी जीवन गुरु पढ़ते हैं असी, देखो हस्त खेलत तेरे देहोरे आया, भगत करत नाम पकड़ उठाया, हीनड़ी जात मेरी जात मराया, छिपे के जन्म काहे को आया, ले कमली चलियो पलटाए, आगे बैठा पीत फराए। तो फिर कहें ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना को देहोरा फिरै। जेड़े लोग नामदेव नू मंदर चों धक्के मारदे सी, जदों नामदेव ने गुरु के ज्ञान नू मन्या, परमेश्वर के नाम नू जपया, तो फिर कहन लगे वड्डे वड्डे देहोरे भी नामदेव दे वल हो गए, उन्हों का मूँह भी नामदेव दे वल हो गया। अर्थ की बनया? जेड़े लोग मंदरां दे वल देहोरियां दे वल भजदे सी, उन्हां ने अपना मूँह नामदेव दे वल कर लिया। पता लग गया उन्हां नू इन्हां पत्थरां विच्चों कुछ नहीं मिलना, देहोरियां दे विच्चों कुछ नहीं मिलना। जिहड़ा आ नामदेव बाणी सुणाउंदा पिया, जिहड़ा आ नामदेव परमेश्वर का नाम गाउंदा पिया, इहदे कोलों नाम की दात लईए। ये नाम की दात ने सानू भी उच्चा कर देना। तो गुरमुखो जिहड़े दोहरियां वल भजदे सी, वह नामदेव वल तुरदे ने, नामदेव दीआं वडियाईआं करदे ने। तो इसे नू बाबा नामदेव साहिब कहिंदे फेर दिया देहोरा नामे को पंडियन को पिछवारला। पंडितां वाले पासे तो उन्हां देहोरे वालिया ने पिठ कर ली, तो नामदेव दे वल सिर झुका दिता। नामदेव दे वल लोग फिर गए ना, झूठ वाले पासे जाने वाले सच वाले पासे आ गए। इस करके जो गुरु अर्जन साहब पातशाह ने बाबा नामदेव साहब के सोहले गाए, तो बाबा नामदेव नूं चेते करदे आ, गुरु अर्जन देव पातशाह कहिंदे ने नाम दिओ गोबिंद 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 सिंह, नाम दिओ मन लीना, आड़ दाम को छिपरो होयो लखीना। आड़ दाम को छिपरो का अर्थ बनता है, लोग कहिंदे सी अद्धी कौडी का छिंबा, इदां कहिंदे सी जी लोग, अद्धी कौडी का छिंबा यह रब नू पालेगा, अद्धी कौडी का छिंबा यह ज्ञानदाता बनता है। तो गुरु अर्जन साहब पातशाह कहिंदे परवाह ही नहीं की बाबे नामदेव ने किसी, परमात्मा का सिमरन उहदी बंदगी उहदा नाम जपिया। तो जिहनूं लोग अद्धी कौडी का छिंबा कहिंदे सी, कहिण लगे गोबिंद गोबिंद दे गुण गा के गोबिंद दा रूप हो गया, तो कहिण लगे हुण लखां दा बन गया। उहदी कीमत पै गई जी, अद्धी कौडी का छिंबा लखां दा बन गया। पर कदों बनिया? जदों उहने अपनी सुरत एक नाम दे नाल एक बंदगी दे नाल जोड़ ली। गुरमुख ते सच यह भी है, गुरु नानक साहब पातशाह बाबा नामदेव दे नगर गए, उन्हां दी बाणी नूं एकत्रित कीता, 61 शब्द ने भगत बाबा नामदेव साहब दे 18 रागां दे विच बाणी नूं लै के आए। गुरु अर्जन देव पातशाह ने उस बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहिब च थां दित्ती। ते तुसीं देखो अज वड्डे वड्डे बादशाह, वड्डे वड्डे ज्ञानी, वड्डे वड्डे विद्वान जदों थां थां ते गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश हुंदा है, ते वड्डे वड्डे बादशाह चौधरी उच्चियां जातां नूं कहाउण वाले सीस झुकाउंदे ने, ते ओह सीस बाबा नामदेव साहिब दे अग्गे वी झुकदा पिया है, उहनां नूं वी लोक नमस्कारां करदे ने। इह थां इन्नी वड्डी थां किवें मिल गई? गुरु अर्जन साहब पातशाह ने कृपा की, नामदेव दसना चाहते असी दुनिया नू नाम की किन्नी ताकत है, सिमरन च किन्नी ताकत है। मंदरां चो धक्के पैंदे सी, मैं तेनू हरिमंदर विच बिठावांगा जिथों दुनिया की कोई ताकत तेनू बाहर नहीं कढ सकेगी। गुरु पातशाह ने हरिमंदर अंदर बिठा दिता गुरमुखो,
जिथों दुनिया की कोई ताकत भी बाबे नामदेव नूं बाहर नहीं कढ सकती। अज भगत बाबा नामदेव साहब जी का जन्म दिहाड़ा है। आप समूह संगतां नूं भगत साहब जी के जन्मदिन दियां बहुत बहुत वधाइयां। भुल्लां ना पालियां फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।